दोस्तों, अभी तक आपने जितनी भी मेट्रो देखी है सभी को अंडरग्राउंड या फिर जमीन के ऊपर ही देखा होगा। लेकिन कभी सोचा है कि पानी के ऊपर भी मेट्रो दौड़ सकती है? तो जी हाँ, केरल के कोची शहर में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू हो चुकी है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि आखिर वाटर मेट्रो है क्या, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वाटर मेट्रो की रूट, किराया और बाकी अन्य जानकारियाँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वाटर मेट्रो रोजाना 12 घंटे चलेगी और प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। वर्तमान में यदि आप वाटर मेट्रो घूमना चाहते हैं तो कोची जाकर हाई कोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन या वाइपिन वाटर मेट्रो स्टेशन से वाटर मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। यह सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलती है। आपको बता दें कि प्रत्येक मेट्रो में लगभग 100 यात्री बैठ सकते हैं। वाटर मेट्रो में विकलांगों के लिए रैंप की सुविधा, माताओं के लिए फीडिंग चैम्बर और मोबाइल चार्जर की सुविधा उपलब्ध है। यह वाटर मेट्रो 8 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस वाटर मेट्रो को अब देश की पहली बैटरी से चलने वाली मेट्रो ट्रेन भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह मेट्रो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। यदि बात करते हैं इसके किराए की, तो इस समय आप हाईकोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन से 20 रुपये की टिकट खरीद कर वाइपिन वाटर मेट्रो जा सकते हैं और फिर वाइपिन वाटर मेट्रो से 20 रुपये की टिकट खरीद कर हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।